तेरी हथेली पे इस दिल को मैं रख दूं। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैं मनीष, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों जिस तरह का अभी आपने स्टार्टिंग में देखा थ्री डिफेक्ट वाली स्टेटस वीडियो, तो दोस्तों इस तरह की स्टेटस वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड करती है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाना, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स का यूज हो रहा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स लिंक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं वीडियो में आपको बता दूंगा पासवर्ड क्या होने वाला है, आप इजीली उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस एडिटिंग के लिए हम यूज़ करने वाले नोट वीडियो एप्लीकेशन का। तो अगर आपके पास नोट वीडियो एप्लीकेशन नहीं है या फिर आपके फ़ोन में वर्क नहीं करता है, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे देख लीजिए, अगर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है तो आपका डाउनलोड हो जाएगा और आप आसानी से वर्क कर पाएंगे नोट वीडियो पे। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आपको दूसरे डिवाइस का यूज़ करना होगा। तो फ्रेंड्स इसका मोड वर्जन जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ विजिट करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते फोन के स्क्रीन पर, ओपन करते हैं नोट वीडियो एप्लीकेशन को और एडिटिंग करते हैं स्टार्ट। दोस्तों एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स चलते फोन के स्क्रीन पर। तो ये जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स मिनी मोड के ऊपर ये एरो जो देख सकते हैं, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे एक पॉपअप आएगा, इस लोड प्रोजेक्ट जिप पे क्लिक कर देना है आपको। तो कुछ इस तरह से आपका जो फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो अभी आपने जो डाउनलोड किया ये वाला फाइल आप देख सकते हो, वैलेंटाइन डे 3D करके इसका नाम दिया हुआ है, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे में ही ऐड हो गया। तो फ्रेंड्स ये ऐड हो गया, आप सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगेगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, कैमरा वाला जो आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ये ग्रुप का आइकन है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। कैमरा का टाइप में आपको अब दिखने लगता है, न्यू अपडेट में हर बार कुछ ना कुछ चेंज कर देता है, तो अब ये इस तरह से दिखेगा, इसे ग्रुप बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर ऑडियो, अगर आप ये ऑडियो रखना चाहते हो तो रहने दीजिएगा, अदरवाइज इसे सेलेक्ट कीजिए, 3 लाइन पर क्लिक कीजिए और इसे डिलीट कर दीजिएगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब न्यू ऑडियो यहाँ पर ऐड करने के लिए इस साइड में आपको स्क्रॉल करना है, करने के बाद यहाँ पर प्लस का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करना फ्रेंड्स यहाँ मीडिया का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद लोड फ्रॉम फाइल का ऑप्शन आपको नीचे में दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका फाइल मैनेजर ओपन होगा, जिस भी फाइल में आपका ऑडियो है उस फाइल को सिंपली ओपन कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक किया तो मेरा जितना भी ऑडियो है सारा का सारा यहाँ पे दिखने लगा। तो फ्रेंड्स जो भी ऑडियो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे 30 सेकंड तक का ऑडियो यूज कर लीजिएगा, या फिर 30 सेकंड से ज़्यादा का कम का नहीं कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करता हूँ, मेरा ये थोड़ा सा कम ही शायद लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रुप पे क्लिक करते हैं और ये वाली एरो पे जो इस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑडियो पता चल जाएगा ज़्यादा है कि कम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा कम है, बट ये 28 सेकंड का और 30 सेकंड का हमारा प्रोजेक्ट है, तो वो उतना मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रहने देता हूँ, अदरवाइज आपका ज़्यादा होगा तो आपको सिंपली कट करना होगा। जो भी ज़्यादा होगा पार्ट उसे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ ट्रिमर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। जो कटेगा एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो होगा उसे सेलेक्ट कीजिए, नीचे में दिखेगा उसको सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करके उसे डिलीट कर दीजिएगा। तो मेरा तो कम ही था तो मैं उसे जितना था उतना रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है इतना ही है, तो इतना रहने देते हैं। फिर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ इस ग्रुप पे फिर से क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। थोड़ा इसे मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। अब यहाँ पे आगे की तरफ अगर स्क्रॉल कीजिए तो मॉडल का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे मॉडल पर आपको क्लिक करना है, 3 लाइन पर क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मॉडल आप यूज़ करना चाहते हो उसे ले लीजिएगा। जैसे मेरे पास कुछ फोटोज है जिसका PNG मैंने क्रिएट किया था, अगर आपको PNG क्रिएट करने में कोई भी परेशानी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप आसानी से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड जो है रिमूव कर पाएंगे। तो चलिए मैं फोटो रूम की मदद से मैंने जो PNG बनाया तो उसमें से एक फोटो मैं ले लेता हूँ जिसे मैं यहाँ पे लगा सकूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे इमेज है जिसे मैंने क्रिएट करके रखा है और इसका PNG मैंने बना कर रखा है। तो चलिए तब तक के लिए मैं यहाँ से ये वाला को लेता हूँ और देन नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मैं थोड़ा आगे करके दिखाता हूँ। तो देख सकते इमेज यहाँ पे लग चुका है, बट इमेज को हमें एडजस्ट करना होगा। करने के लिए फ्रेंड्स स्केल का जो फर्स्ट बटन है इसकी मदद से इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद पोजीशन का जो फर्स्ट बटन है, बीच वाला बटन है, इसकी मदद से आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो थोड़ा इसे आगे कर लीजिए, थोड़ा आगे कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको क्या ना इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। ठीक है, देख लीजिए कि ब्रिज पे इस तरह से होना चाहिए जैसे लगे कि वहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से मॉडल को आप अपने यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे वैलेंटाइन डे जो लिखा है तो यहाँ पे मैंने ट्रू लव लगा दिया, तो आप यहाँ पे जो भी लगाना चाहे, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट होता है सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करके रिप्लेस कर दीजिएगा। मैं इसे रहने देता हूँ। देन यहाँ पे एक और चीज़ आपको चेंज करना है, लोगो। यहाँ पे आप देख सकते लोगो जो नीचे में वाटर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लोगो को हम चेंज करेंगे। फ्रेंड्स लोगो चेंज करने से पहले मैं आज का पासवर्ड आपको
आपको बता देता हूँ, आज का पासवर्ड होगा 9528 9528। ठीक है, इसे डालिएगा, लिंक पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर पासवर्ड मांगेंगे, आप इसे वहाँ पर डाल दीजिएगा, आपका जो पासवर्ड है खुल जाएगा और लिंक जो है सो खुल जाएगा, आप आसानी से मीडियाफायर की मदद से जो यहाँ पर प्रोजेक्ट मैंने यूज़ किया वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब सिंपली यहाँ पे लोगो चेंज करना है, लोगो पर क्लिक करने के बाद थ्री लाइन पे क्लिक कीजिए, रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपका जिस भी फाइल में लोगो होगा वहाँ पे चले जाना है, तो सिंपली मेरे पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास लोगो है तो मैं इसमें से एक लोगो ले लेता हूँ जो वहाँ पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये वाला को मैं सिंपल टेक्स्ट वाला ले लेता हूँ, देन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम पर आप देख सकते हैं मेरा जो PNG है यहाँ पर लग चुका है, अब इसे एडजस्ट करना है, आप जिस साइड भी रखना चाहे रख सकते हैं, तो इसे मैं थोड़ा आगे करके यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, और इसे ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे भी करना चाहे आप कर सकते हैं, तो इसे पानी पे ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, देखने में पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो वाटरमार्क यहाँ पे मेरा लग चुका है। फ्रेंड्स वीडियो बनकर तैयार भी हो चुकी है, तो अब सिंपली इसे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के लिए ये वाला जो आरो देख सकते हैं इस पर क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेजोल्यूशन देख सकते हैं 720 है, तो इस पर क्लिक करके इसे 10 कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स FPS 30 है तो इसे आपको 60 कर देना है। मैं इसे लोकेलिटी में इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे एक्सपोर्ट करने में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्वालिटी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इसे वेरी हाई कर दीजिएगा, करने के बाद ये अब जो वीडियो एक्सपोर्ट होगा तो काफ़ी बेटर होगा, कोई भी क्वालिटी उसका कम नहीं होगा, कहीं पे भी अपलोड कीजिएगा क्वालिटी कम नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेटस जो हम बनाते हैं नोट वीडियो से तो उसका क्वालिटी कम हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ नीचे ग्रीन बटन जो देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने बाद ये आपके फोन में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों जब ये वीडियो सेव हो जाए पूरी तरह से, यहाँ पर नीचे जो प्रोसेसिंग दिख रहा है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ही यहाँ से आप बैक कीजिएगा या फिर दूसरे एप्लीकेशन पर जाइएगा, नहीं तो ये एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के न्यू ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए।